द प्रेयर टाइटल इज वो शक्ति हमें दो दया निधि. सो आई विल जस्ट रीड थ्रू आउट द सॉन्ग वंस एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन और यू कैन ऑल्सो लर्न इट. सो ये प्रेयर इस तरीके से है. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें. अब इसका पहला स्टैंजा है, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जावें. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें. फिर इसका दूसरा स्टैंजा, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसावें. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें. निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस पुण्य राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें. वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें. तो बच्चों ये प्रेयर है, बहुत ही अच्छी प्रेयर है. इसमें दो तीन शब्द हैं, मैं उनका मतलब आपको बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़े से कठिन है. इसमें सबसे पहली लाइन में आता है, वह शक्ति हमें दो दया निधे. तो दया निधे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मतलब ईश्वर. तो दया निधे मतलब ईश्वर, सर्वशक्तिमान. उसके बाद इसमें आता है एक शब्द और आया है, निबलों. निबलों मतलब जिसमें जो शक्तिशाली नहीं है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, जो कमज़ोर हैं किसी भी चीज़ से. और विकलों, विकलों मतलब जो जिसके कि शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है या कोई शरीर का अंग अच्छे से काम नहीं करता है, उसको हम विकलांग भी बोलते हैं. और यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ है विकलों. तो निबलों, विकलों. संताप हरें, संताप मतलब होता है कष्ट. सेवक बन, सेवक बन के हम उनके क्या करें, संताप हरें. संताप मतलब उनके दुख और कष्ट. इसी प्रकार से इसमें आया है छल दंभ द्वेष, मतलब जो ये सारी बुरी आदतें होती, किसी को धोखा देना, किसी से जलन रखना, झूठ बोलना, अन्याय से, ये सारी बुराइयों के बारे में यहाँ पे बताया गया है सेकंड स्टैंजा में. और सो आप इस प्रेयर को ज़रूर से लिखें. अब मैं इस प्रेयर को आपके सामने एक बार गाऊंगा, आप उसको सुनें. और ये प्रेयर YouTube में भी है, आप वहाँ से भी इसको सुन सकते हैं. बहुत ही अच्छी प्रेयर है, आप सबको इसको लर्न करना है और लिखना है. जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपके नोटबुक में से चेक करूँगा. तो सो आपको इसको लिखना भी है, पहले वाली प्रेयर भी जो मैंने बताई थी वो भी, और ये वाली प्रेयर भी आप सबको लिखनी है. ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार गा के बता देता हूँ. 1 2 3 4 शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे. वह शक्ति हमें दो दया निधे, दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें,
हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वो शक्ति हमें दो दया निधे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस पुण्य राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वो शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें तो दया निधे। सो बच्चों, ये थी आपकी प्रेयर। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना और फिर हम इसको स्कूल में करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।